नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में, पिथौरागढ़ के सोरबैली पब्लिक स्कूल में विद्यालय के निदेशक डॉक्टर उमा पाठक की उपस्थिति में दीप पर्व के अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में मनीषा खुलिया प्रथम, कार्तिका धामी द्वितीय, वर्तिका जोशी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जूनियर वर्ग में पार्थ मेहरा, आराध्या व आलिया से क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे। साथ ही प्रत्येक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों द्वारा रंगीन दीपक बनाए गए। प्रतियोगिता के अव्वल स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को निदेशक डॉक्टर उमा पाठक द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित करने के साथ ही समस्त विद्यालय परिवार को दीप पर्व की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य लीलावती जोशी व स्टाफ मौजूद था। पिथौरागढ़ पूर्व संध्या पर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में दीप पर्व के अवसर पर आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत भगवान राम के जन्म से पुनः राज्याभिषेक तक उनके जीवन काल पर एक क्विज, जिसमें विद्यालय के चारों सदनों अजंता, एलोरा, नालंदा, तक्षशिला द्वारा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया। तीन वर्गों में आयोजित हुई प्रतियोगिता में एप्पल एवं दिए तैयार किए गए। विद्यालय के प्रबंधक रमेश चंद्र जोशी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया और सभी अभिभावकों और जनमानस को दीपावली और भाईदूज की मंगल शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अभिभावकों व स्टाफ सहित बच्चों की सराहना की। पिथौरागढ़ के नया बाजार स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में विद्यालय के प्रधानाचार्य कमल खरकवाल व उर्वशी रौतेला के मार्गदर्शन में नई शिक्षा की नीति के तहत स्किल डेवलपमेंट विषय को ध्यान में रखकर दीपावली के पावन पर्व पर विद्यालय के बच्चों द्वारा मिट्टी के दीयों पर सजावट कर विद्यालय प्रांगण में स्टॉल लगाकर उपस्थित सभी अभिभावकों और मिट्टी के दिए बेचे गए। बच्चों के इस कार्यक्रम की सभी अभिभावकों ने सराहना की। सभी बच्चों व अभिभावकों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में विद्यालय के व्यवस्थापक धीरज पाटनी, विद्यालय प्रबंधन समिति की सदस्य सुनीता भट्ट सहित कई लोग उपस्थित थे। हरिद्वार के चंडी देवी पैदल मार्ग से सटे जंगल में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर एसएसपी परमेंद्र डोभाल सहित पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी, लेकिन महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। प्रथम दृष्टया महिला का गला दबाकर हत्या करना बताया जा रहा है। एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने शीघ्र मामले के खुलासे के निर्देश संबंधित को दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस पुलिस को सूचना मिली कि चंडी देवी रोपवे के निकट पैदल मार्ग से सटे जंगल में एक महिला का शव पड़ा है। सूचना मिलने पर सीओ जूही मंडराल, एसओ नितेश शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर देखा तो लगभग 30 से 35 वर्षीय महिला का शव पड़ा था। उसके गले में उसी के ही दुपट्टे का फंदा बुरी तरह कसा हुआ था। पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में साफ हुआ कि गला दबाकर महिला की हत्या की गई है। शव एक दिन पुराना प्रतीत हो रहा था। पुलिस ने आसपास के लोगों को बुलाकर शिनाख्त का प्रयास किया पर कुछ पता नहीं चल पाया। इस दौरान एसएसपी ने बताया कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बताया जा रहा है कि घटना स्थल से पुलिस को कोई अहम साक्ष्य नहीं मिला है। महिला के हाथ पर मेहंदी लगी है, एक हाथ पर राम लिखा है और दूसरे हाथ पर माजी लिखा है। मामले के खुलासे को लेकर पुलिस टीम जुटी हुई है। जंगल में महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुरा में सरेआम हुई मारपीट के मामले में एसपी सिटी मनोज कत्याल ने खुलासा करते हुए बताया कि घटना को अंजाम देने व दहशत का माहौल बनाने वाले चार आरोपियों को पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में शामिल अन्य की तलाश जारी है। मामले को लेकर एसपी सिटी मनोज कत्याल ने रुद्रपुर सीओ कार्यालय में खुलासा करते हुए बताया कि रुद्रपुर की
भदईपुरा में दो गुटों में पुरानी रंजिश के चलते ही मारपीट की घटना सामने आई थी और घटना का वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हुआ था। आरोपियों का पता लगाने को लेकर पुलिस द्वारा लगातार किए गए प्रयासों के चलते घटना में शामिल चार आरोपियों विकेश यादव, आकाश यादव, अभय सक्सेना व जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। बताया कि चारों ही आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनसे घटना में इस्तेमाल किया गया 315 बोर का एक तमंचा, जिंदा कारतूस और घटना के दौरान की गई फायरिंग का खाली खोखा भी बरामद किया है। पुलिस ने चारों ही आरोपियों को न्यायालय में पेश कर अग्रिम कार्रवाई की गई। साथ ही पुलिस टीम मामले के अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इधर आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को उधम सिंह नगर SSP डॉक्टर मंजुनाथ TC ने पुरस्कृत करने की घोषणा की है। SP सिटी रुद्रपुर मनोज कत्याल ने बताया कि ये जो रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में घटना हुई थी, जिसमें 5 तारीख को कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी, उस मारपीट की तहरीर हमें एक व्यक्ति ने तहरीर दी 5 तारीख को, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनके भाई के साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई है और उस पर जानलेवा हमला किया गया है। तो उसकी सुसंगत धाराओं में हमने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया और इसके संबंध में एक वीडियो भी प्रकाश में आया था, जिसमें पूरा घटनाक्रम जो है दिख रहा था, जिसमें उसके आधार पर हम लोगों ने जो लोग नामजद थे और जो लोग फुटेज में दिख रहे थे, उसके बेस पे हमने जो भी दोषी लोग हैं उनकी अरेस्टिंग के लिए तत्काल हमने टीमें गठन किया। इनको CO सिटी अनुषा और इंस्पेक्टर रुद्रपुर विक्रम राठौर उनको लीड कर रहे थे, और क्योंकि बहुत ही दुस्साहसिक घटना थी, उसको उतना ही प्रोफेशनल तरीके से हम लोगों ने डील किया और इनमें से 4 मुख्य अभियुक्त सहित 4 लोगों को हमने अरेस्ट करने में सफलता हासिल की है, जिसमें विकेश यादव, आकाश यादव, अभय और जितेंद्र सिंह, टोटल 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, जिसमें विकेश यादव के पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा जो वेपन है वो वेपन भी हमने बरामद किया है इसमें, और इनकी सबकी क्रिमिनल हिस्ट्री है और पूर्व में भी इन पर आपराधिक अभियोग जो है इन पर पंजीकृत हैं, और पुरानी रंजिश के चलते इन लोगों ने हमला ये किया था। जो इनका कहना यह है कि जो इसमें जो एक्यूज्ड जो पक्ष है वो भी इन पर हमला करने का इरादा रखता था, पूर्व में भी इनके बीच में हुआ है हमला, तो इस वजह से इन्होंने ये घटना की। तो हम लोग इसमें इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री को देखते हुए और आपसी रंजिश के दृष्टिगत इसमें कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।